बहुत बहुत धन्यवाद नारायण पट्टा जी। मैं आवाज देना चाहता हूं हमारे बीच में उपस्थित लोकप्रिय विधायक डिंडोरी के पूर्व मंत्री आदरणीय ओंकार मरकाम जी को कि वो आए और वो भी संबोधन दे। ओंकार मरकाम जी। नर्मदा मैया की, वीरांगना रानी दुर्गावती की, वीरांगना रानी दुर्गावती के पावन भूमि पर हमारे देश के आवाज और माता बहनों के वीरता के प्रतीक आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे आने वाले 17 तारीख के बाद 18 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे प्रिय नेता माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे प्रभारी आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, आदरणीय संजय कपूर साहब, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेता और गांव गांव से आए हुए हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, दीदी मैं सबसे पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। दीदी 1983 में रानी दुर्गावती जी के नाम से आपने जबलपुर का यूनिवर्सिटी को रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी बनाया। इसके लिए हमारा समाज हमारे नेता स्वर्गीय इंदिरा जी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। दीदी आज आपके बीच में मैं बताना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है आदिवासियों के साथ अन्याय चरम सीमा पे है। हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनके हत्या करके 10 फीट गड्ढे में गड़ाने का काम ये भाजपा के नेताओं ने किया। इन्होंने हमारे आदिवासी भाई के घर में घुस करके मार मार के उसको उनका जीवन खत्म करने का काम भाजपा ने किया। आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने आदिवासियों पर गोली चला करके आदिवासियों पर अन्याय का काम भाजपा ने किया। आज हम आपके बीच में ये संकल्प लेना चाहते हैं कि पूरे आदिवासी भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। बताओ तैयार है? तैयार है? दीदी मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, जब साहब ने और आपने मंत्री बनाया था हमने आदिवासी दिवस का छुट्टी देने का काम किया, यह शिवराज सिंह ने बंद कर दिया। हमने हमारे जो चौगान है जहां हेलीकॉप्टर उतरा है वो 1 करोड़ रुपए का भवन आदरणीय कमलनाथ जी ने हमको आस्थान योजना बनाने के साथ शुरू किया था। हमारे गांव गांव में जन्म पे 50 किलो मृत्यु पे 1 क्विंटल और हर गांव में 25,000 बर्तन देने का काम हमने शुरू किया था जिसको बंद कर दिया। पर आपके आशीर्वाद से माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही वो योजना चालू हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के बटन को दबाना है और 17 तारीख नजदीक आ रहा है। जब तक बटन चू ना करे छोड़ना नहीं, कांग्रेस को जिताना है और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आदरणीय दीदी का सभी आदिवासियों के तरफ से हृदय की गहराई से बधाई और फड़ा पेंता रानी दुर्गावती दायता राजा शंकर साय रघुनाथ सहता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस